लोक जनशक्ति पार्टी आर के युवा के प्रदेश सचिव के पद पर भनी नियुक्त चर्चित एमएलसी टूना बाबा के लड़का शक्ति बाबा। बताओ चली कि चिराग पासवान जी के करीबी बतावल जानी जी के आज पटना से हुआ के दायित्व में प्रदेश की प्रदेश सचिव के रूप में युवा के तो देखी कैसे क्या भइल ह। वही जा मीडिया से बातचीत के दौरान टूना बाबा के पुत्र शक्ति जी अपन बात रखनी है, सुनी। नमस्कार भैया, राजा सिंह बोलते नहीं, मैच बॉक्स बिहार न्यूज चैनल से। भैया बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो रुआ युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामबिलवास जी के पासवान से प्रदेश सचिव बनला खातिर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। राउर मैच बॉक्स के सीधा सवाल होला, सटीक सवाल होला कि रुआ राजनीतिक विरासत से आवेनी। राउर पिताजी भी राजनीति में बहुत आगे रहल बानी, चाचा भी बानी, परिवार के हर लोग राजनीति से जुड़ल बा, बड़ा बड़ा पार्टी साथे रहल, लेकिन रुआ एलजेपी आर में कहे गई नहीं हो। जी वहाँ के एक युवा बानी हमार, जे हमार अध्यक्ष जी बानी वहाँ के युवा बानी और हम युवा के साथ खड़ा बानी। मान ली घर में पांच लोग बा, पांच तरीके से चलेला। हमार मन हमारा लोजपा रामविलास जी के साथ बा, कमिया के संगे खड़ा बनी। जी लेकिन वो राजनीतिक विरासत तो लंबा चौड़ा बार हुआ, बड़ा पार्टी के भी टिकट मिल सकता है, ज्यादा की आरजेडी से भी परिवार में वर्तमान विधायक बनी चाचा राहुल, और पिताजी भाजपा से राहुल बानी एमएलसी, तो कई सारा अटकल लगावल जा सकता है। जी जी ना ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई सारा अटकल हुआ लगाई, लेकिन देखिए हर इंसान के अपन अति रहला, च्वाइस करे के अनुमति रहला। हमार मन हमार राजनीति के शुरुआत हम लोजपा रामविलास जी से ही करें, अपन जितना भी बा। जी तो रोवा एक बिजनेसमैन रहनी है, बिजनेस करते रहनी है, बिजनेस से राजनीति के तरफ का मतलब कुछ अलग। जी बिजनेस के साथ राजनीति भी जुड़ल रहे के चाहिए कि उसी चीज से हम लोगों के रोजगार भी दे पाए। अगर बिजनेस के साथ साथ हमारा राजनीति चली तो हम वही साथ साथ हम लोगों को रोजगार भी दे एक तरीके से। अच्छा रोजगार के बात कर जाओ तो जब रुआ लोग रोजगारे देवे के रहल तो रुआ कंपनी तो ले जाके गोरखपुर में खोल देनी, तो फिर बिहार से राजनीति सीमांत से राजनीति काहे करें, रुआ तो गोरखपुर राजनीति करे के चाहिए। जी जी अब बताए रुआ कहा था नहीं कि हम गोरखपुर में खोल देनी, लेकिन गोरखपुर के लोग इंसान है ना जी। नहीं तो रुआ बिहार के वोटर के वोट ले महाराज जी, आप रोजगार यूपी में दे। जी देखिए अब हम जब बानी हम सरकार में आवत रही, हमने के पार्टी जब सरकार में आई बिहार में, तो हमने के वही ना प्रयास करें जाके हमनियों के बाहर जितना हम बानी बिहार के बिजनेसमैन के ना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हमरा के अपना तरफ खींच ले लसिया। यू तो देखी हमारा के आप आइए शक्ति जी यहाँ पर, आप प्लांट लगाइए, आपको ऐसा दिया जाएगा, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी आपको, तो उसके कारण ना लोग जाता है। अब बिहार गवर्नमेंट भी ऐसा करने लगे, अगर हमने हर जगह यही बात रखते हैं, हमेशा रखते आते हैं कि अगर बिहार गवर्नमेंट भी हमें ऐसी जमीन प्रोवाइड करती जाए कि एक ये एरिया है जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया लगा चुके हैं, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, आप यहाँ पर आइए तो हम लोग जरूर आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं ना। शक्ति जी डरे के बात करते नहीं, शक्ति जी डरे के बात करते नहीं, जबकि बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे नहीं कि सुशासन बाबू के सरकार है, तो ये दोनों बात तालमेल नहीं के करत। रुआ देखे नहीं सुशासन जी के सरकार बा, तो रुआ आए दिन देखे नहीं कितना मर्डर होला, का होला का ना, रुआ देखते बनी ना। ऐसा तो बात नहीं कि कमी घटेला, घटल बा बेले कुछ पिछला ग्राफ से अभी के ग्राफ में कुछ भी घटौती ना भइल भैया। युवा के राजनीति महिला से का फायदा हुई, खासतौर पर सीवान के जनता के, सीवान के धरती के, राजेंद्र बाबू के धरती के का फायदा हुई? फायदा ये हुई कि और भी जो भी हमारी हमारा जैसा यंग और युवा बालो वो लोग राजनीति में घुसी लो, और जे गंदा राजनीति करता लो लोग साइड करा जाए लो धीरे धीरे, जे धर्म के राजनीति करता उनकरा के साइड करा जाए, जे एक एथिक्स के राजनीति करता उनकरा के साइड कर, बस हमनी के बाकी हमनी के ना बिहार के आगे बढ़ाई। शक्ति जी धर्म के बात करता नहीं तो बताओ चुनी रोगे की चिराग पासवान जी कहे नहीं की हम तो हनुमान हई, मोदी के हनुमान हई, तो ये हुआ हनुमान शब्द भी तो हिंदू धर्म से जुड़ल बा। रुआ जो समझी हम धर्म कोना विषय में कहते नहीं हो तो रुआ देखी हम रुआ के ऐसे थोड़ी करते नहीं कि कोना धर्म के, हम रुआ के कोना विषय में धर्म कहते नहीं हो तो देखी कि केवल एक चोला पहन के किसी चीजों को आगे दिखाना
और अंदर वो इंसान क्या है कोई देखने गया है आज तक नहीं ना, तो इतना अति के लिए भी ना जरूरी बहाना क्या उसे भी। मैंने इतना सारा चीज के लेके युवा सोच के सदर राजनीति के आंकड़ा में आवत जी जी नहीं, तो एकदम सीवान एकदम। गांधी का सोच बा? सिवान में पहले तो हम ई करण की ही हमारी इंडस्ट्रियल एरिया जितना हमारा आउट ऑफ स्टेट लागा था जो भी सारा हम सिवान में खोले के पूरा प्रयास करें, जिससे हमारा सिवान के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुई। जी अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया और कुछ कमी नहीं क्या सीवान के लगे? सिवान में तो बहुत कमी बा, लेकिन धीरे धीरे सुधरी। अब एक बार एक बतावत ही कमी क्या। चली ना ना बतावत चली रुआ के कि सीवान राजेंद्र बाबू के धरती है, मौलाना साहब के जी धरती है। जी 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 तेजा बहुत हाँ चीज के कमी बा, लगातार बड़ा लोग सत्ता में रहल बा, जे भी रहल बा लगभग 10 साल रहल बा, जी जी ओकरा बावजूद भी विकास नहीं के भइल। तो अगर लोग रहुआ के जी मौका देता तो का विकास हो सकता? काहे ने विकास हो जी। हम और नेता नहीं और आदमी ना है कि दिल में का बा जुबान पे कारी। हमारा जो दिल में बा वो हमारा जुबान पे बा। अगर हमने के आवत नहीं जा तो ऐसा। सिवान के पहले तो रोड चौड़ा हुई, जो रोड एकदम गली गुची। सिवान में घुसे के पहले रुवा सोचे के पड़ेला कि आज जाए कि ना सिवान में, सिवान सिटी में। चौड़ीकरण रोड के और भी सारे रोजगार को लाना यहाँ पर, पहले ये माफियाओं को खत्म करना यहाँ से सिवान से जो भी है इन सबको, कि हाँ स्टेबल रहे लोग, अपना कमाए धमाए और अच्छे से रहे, क्या उम्मीद कर किसी पे डर में जाओ, ना रहे। क्या उम्मीद कर जाओ 2024 में जो पार्टी से जुड़नी है वो बिहार के 400 सीट पर चुनाव लड़ी? अब देखी जो पार्टी में जो शिष्ट नेतृत्व बा वो करी फैसला करी। अब हम इतना हम ऐसे थोड़ी रुआ से कुछ कह सके नहीं। हम एक पार्टी के छोट मोट आदमी बनी। ना ना छोट मोट क्या बानी महाराज, डायरेक्ट चिराग पासवान जिससे के बहुत करीबी बानी, में हर चीज में करीबी साथे बानी रहतनी। करीबी बानी, लेकिन ये सब फैसला हमार पार्टी के बड़े नेता ने ली कि तो मैंने रुआ कहाँ रुआ कितना पे प्रदेश कैसे में कहाँ बानी, लड़ेगा। प्रदेश गया, मैं रुआ सचिव पद पर बानी, जी जी तो जी की आकलन हो गए चाहू कि लोग 24 24 के बाद विधानसभा 25 में होके जा रहा हमने तो बा? पूरा प्रयास बा हाँ 24 के। अब देखिए सीट वितरण में का होता कैसे का बा। हमारा तो यही आस बा कि हमार एनडीए के साथ ही गठबंधन से हमार पार्टी लड़ी, अच्छा, चुनावी एनडीए लड़ी साथे रही। जी एकदम साथे रहे। और ये चल, हम मैच बॉक्स की दोनों, टीम से बातचीत करके वह कैसा लगा? अरे बहुत सुंदर। भोजपुरी में तो हम बोलबे करे नहीं वैसे भी, लेकिन बीच में कहीं कहीं हिंदी में आ जाता रहा, लेकिन कोनो बात नहीं। भोजपुरी तो चल हमारे बहुत खास रहती है। चलिए बाबा, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।